आप सभी का भारत समाचार में, मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। और इस बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और हमारे पर्यटन के लिए एक अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ होना है। पीएम मोदी करेंगे इसका वर्चुअल उद्घाटन। क्रूज को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस क्रूज को से 32 किलोमीटर की डिब्रूगढ़ की यात्रा 48 दिनों में पूरी होगी। यह रिवर क्रूज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की कुल 27 नदियों से गुजरकर यात्रा पूरी करेगी। इसकी लंबाई 62.5 व चौड़ाई 13 मीटर है। गंगा विलास भारत में बना पहला रिवर क्रूज है। इस क्रूज को 2 मंजिला बनाया गया है। यह 5 सितारा सुविधाओं से लैस है। इस क्रूज में 18 स्वीट्स है, ओपन स्पेस, बालकनी, जिम, स्टडी रूम, लाइब्रेरी भी है। मनोरंजन के लिए गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्पा सैलून के साथ चिकित्सकीय सुविधा भी इस क्रूज में मिलेगी। 80 सैलानियों के साथ कुल 100 लोग क्रूज में सवार होंगे। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज में फर्नीचर से लेकर हर एक चीज हैंडमेड है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हर एक चीज उसमें हैंडमेड है। को बता दें कि 52 दिन का सफर होगा इसमें। 3200 किलोमीटर की दूरी तक का सफर तय करेगा। 2 देशों से होकर गुजरेगा क्रूज। 27 नदियों के जरिए सफर तय करेगा। 50 पर्यटक स्थलों के दर्शन कराएगा। एक बार में 80 यात्री क्रूज में सफर कर सकेंगे। भारत का पहला रिवर क्रूज है। 5 स्टार सुविधाओं की भरमार, 18 स्वीट्स है इसमें। स्पा सैलून और डॉक्टर की तमाम सुविधाएं इस क्रूज में उपलब्ध हैं। गंगा की लहरों पर अटखेलिया खेलने के साथ एक विशाल और महानतम अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने के लिए गंगा विलास क्रूज तैयार है। रविदास घाट पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है यहाँ पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। इस क्रूज के सामने हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे कैमरा पीछे करके दिखलाएं। एक मंच बनाया गया है घाट पे। हालांकि कोहरे की चादर ने पूरे वातावरण को समेट रखा है। आज सुबह से ही कोहरा जो है बनारस में अपने चरम पे है, लेकिन लोगों के काम में, लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं देख रही है। सुबह 6 बजे से ही तैयारियां जो है यहाँ पे चल रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 10:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली से जुड़ेंगे और वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को अपनी यात्रा पे रवाना करेंगे। यह क्रूज 51 दिनों की यात्रा पर यहाँ से निकलेगा और डिब्रूगढ़ पहुँचेगा। इस दौरान वो 5 राज्यों की 27 नदियों को क्रॉस करेगा। तो एक अविस्मरणीय यात्रा में 32 यात्रियों को लेकर ये निकलने के लिए तैयार है और अब इंतजार है उस घड़ी की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने के साथ एक वाराणसी के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। हालांकि ये उनका संसदीय क्षेत्र है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, वाराणसी को 101 सौगातें वो लगातार देते आए हैं, लेकिन पर्यटन को लेकर उन्होंने जो सौगात दी है और उसमें एक मोती के रूप में कहिए ये जोड़ने जा रहा है, ये हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। संवाददाता रोहित सिंह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। रोहित, किस प्रकार से वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने की? देखिए पिछला बनारस में जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं और खासकर यहाँ के सांसद जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब कुछ नई सौगात देने आते हैं तो बनारस के लोग स्वागत करते हैं, अपने बनारस आसपास के लोग। और एक प्रकार से कहा जाए तो उस दिन निश्चित रूप से पूरे देश की जो केंद्र बिंदु रहता है वो बनारस रहता है और आज भी है। कारण पर्यटन की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि की दृष्टि से आज बनारस में एक नया चैप्टर लिखने की शुरुआत हो रही है। गंगा विलास क्रूज आज अपनी यात्रा पे निकलने जा रही है। हम अपने सहयोगी रूप से देखेंगे कि हालांकि काफी कोहरा है, विजिबिलिटी लगातार होती जा रही है, लेकिन इसको दिखाए जो क्रूज है वो तैयार है।
और बगल में एक मंच बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही वाराणसी में ही डेरा डाले हुए हैं और हर पल की जानकारी वो ले रहे हैं। तमाम जो तैयारियां चल रही उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली से ऑनलाइन होंगे और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। लगभग 10:30 बजे हरी झंडी दिखलाकर इस क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और इसी के साथ ये एक नई यात्रा पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक पर्यटन की एक बनारस की नई पहचान। हालांकि बनारस किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन हर साल प्रधानमंत्री इसके पहचान के साथ साथ एक नई चीज जोड़ते जा रहे हैं। आज करें किस तरीके से गंगा महोत्सव हो या ये दीपावली है, उसको नया कलेवर प्रधानमंत्री ने दिया है। उसी तरह पर्यटन को एक नया कलेवर प्रधानमंत्री ने प्रदान किया है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही कहा था कि गंगा में जो अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, जलमार्ग प्राधिकरण का विकास होगा, तमाम कुछ जो है वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टुमारो इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री इन द लाइक रिवर क्रूज सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज आई बिलीव दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सच ए लॉन्गेस्ट क्रूज विल बी लाइक सक्सेसफुली ऑपरेटेड एंड दिस हैज क्रिएटेड न्यू विस्टास फॉर आवर ग्रोथ इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म, इन द सेक्टर ऑफ कल्चर, इन द सेक्टर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड एंड इन मेनी वेज इट विल ओपन द न्यू सेक्टर फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आई बिलीव दिस इज द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हिच इज अल्टीमेटली हेल्पिंग द पीपल ऑफ द कंट्री टू मेक देमसेल्फ सेल्फ रिलायंट एंड ऑल्सो टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर भारत। But Prime Minister is also going to lay the foundation stone of several other inland water projects, more than 1,000. Or can you say this here the detail of how many, what kind of project they are? Like as you know, under the the Art Ganga scheme, 62 numbers of community jetties, floating jetties on the both bank of River Ganga, that is NW1, and also multimodal terminal. And also multimodal logistic terminal in many ways. These are the infrastructure coming up in both the river, NW1 and NW2. So this will definitely help our user of the inland waterways and in many ways in the ways of a seamless movement of their passengers vessel and cargo vessel and also promoting their river cruise. So I believe this is how economy will be empowered in the country and people living on the boat bank of river. ऐसा समझा संदीप, फिर लखनऊ से जुड़े हुए संदीप। देखिए टेंट सिटी जो वाराणसी में बनाई गई है और गंगा विलास क्रूज जो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है अपने देश की, उसका उद्घाटन आज होना है। संदीप, टेंट सिटी और गंगा विलास क्रूज को लेकर लगातार देखिए राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों को भी अब पैसे कमाने का जरिया भारतीय जनता बना रही है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चकाचौंध दिखाकर असल मुद्दों से नहीं भटका पाएंगे आप। तो इस मुद्दे पर राजनीति देखिए गर्माती जा रही है। सबके बीच क्या कुछ प्रॉफिट अपने देशवासियों को मिलने वाला है, क्या जो जल पर्यटक है कि उसको कितना बढ़ावा मिलने वाला है गंगा विलास क्रूज के द्वारा? देखिए बिल्कुल त्रिशला, सबसे पहले जो कह सकते हैं कि आज की एक खास बात यह है कि वो है कि दुनिया में सबसे लंबा जो जलमार्ग पर चलने वाला यानी एमवी गंगा जो क्रूज है, आज उसका जो उद्घाटन है यानी कह सकते हैं शुभारंभ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो सबसे बड़ा तो कह सकते हैं कि लोगों के राहत की बात यह है कि अब हमारे पास भी एक लगभग कह सकते हैं कि जो विदेशों में जिस तरीके से बातें सामने आती थी वो अब हमारे देश में होगी। और देखिए एमवी गंगा विलास अगर क्रूज की बात करते हैं तो लगभग 51 दिनों में ये 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। 18 कमरे हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं इसमें, पटना है, ढाका है, तमाम जगहों से होकर ये डिब्रूगढ़ पहुँचेगा। और देखिए जिस तरीके से आपने कहा
कहा कि इस पर राजनीति। तो देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत से पहले तमाम तरीके की राजनीति होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी रोहित ने बताया था कि गंगा जो बिलास का जो किराया है वो 25,000 रुपये है, और जिस तरीके से देखिए विपक्ष ने कहा है कि नाविकों की जीविका को छीन लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है गंगा बिलास क्रूज को लाकर, तो नाविक जो हैं वो पटना डिब्रूगढ़ और इतनी लंबी यात्रा को नहीं तय कर पाएंगे। उनकी देखिए जो जीविका होती है, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ किलोमीटर्स तक की होती है, और उससे गंगा विलास क्रूज के चलने से उनकी जीविका पर भी किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी देखिए प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके चलते हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर लोगों के सामने आ सकती हैं, कि जब लखनऊ में मेट्रो लॉन्च हुई थी तो ऐसा कहा गया कि ऑटो वाले और टेम्पो वाले क्या करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी जीविका भी वैसे ही चल रही है और मेट्रो भी लगातार प्रॉफिट में चल रही है। राहत की खबर देखिए, सबसे बड़ी यही एक राहत की खबर है, एक गौरवान्वित करने वाली खबर है कि एक बड़ा क्रूज जिसकी जो बातें हैं जो सपनों में ही कहीं ना कहीं से दिखाई देती थी, और खुद त्रिशला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि अपने पास दुनिया में एक सबसे बड़ा जो क्रूज हो, और उसकी जो कह सकते हैं कल्पना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और वो कल्पना आज साकार होने जा रही है। काशी में जिस तरीके से आज इसका लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसको रवाना करेंगे, ऐसे में लोग उत्साहित हैं, ऐसे में देखिए काशी उत्साहित है कि एक जो बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट है, जो एक बड़ा मौका है वो काशी के नाम होने जा रहा है, और उसी के साथ साथ देखिए तमाम लोग उत्साहित हैं जिस तरीके से 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, पटना है, कोलकाता है।